आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसालेदार और चटपटी वेज मसाला मैगी। वेज मसाला मैगी बनाने के लिए हमने सामान ऐड किया है 2 पैकेट मैगी। मैगी पैकेट के साथ आए 2 मैगी मसाला के पाउच। वेज मसाला मैगी बनाने के लिए सब्जियों में हमने सामान ऐड किया है 2 कट किए हुए प्याज, 2 कट किए हुए टमाटर। टमाटर को हमने इनके बीज निकालकर फिर कट किया है। छील कर कट किया हुआ 1 गाजर, 1 कट की हुई शिमला मिर्च, 2 कट की हुई हरी मिर्च। वेज मसाला मैगी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ 50 ग्राम पनीर, थोड़ा हरा धनिया। मसाला मैगी बनाने के लिए और हमने अलग से ऐड किया है 2 मैगी मसाला के पैकेट। इस तरह से हमने वेज मसाला मैगी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। हम पनीर वाली वेज मसाला मैगी बना रहे हैं, इसलिए हम इसे वेज पनीर मसाला मैगी भी बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं किचन की तरफ स्पाइसी मैगी बनाने। वेज मसाला मैगी बनाने के लिए जैसे जैसे हमें सामान की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम सामान ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम मैगी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। इस तरह से हमने मैगी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। आप लोग अपने हिसाब से भी मैगी के छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं या बिना तोड़े भी मैगी को बना सकते हैं। मसाला मैगी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम मैगी को उबालेंगे। मैगी को उबालने के लिए हम कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और पानी में 1 उबाल आने देंगे। हमने कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल इसलिए ऐड किया है ताकि जब हम इसमें मैगी डालें तो हमारी मैगी एक दूसरे से चिपके नहीं। गैस की आंच तेज रखेंगे और पानी में 1 उबाल आने देंगे। हमें तेज आंच पर पानी को गर्म करते हुए 2 मिनट हो गए हैं, पानी में उबाल आ गया है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे। अब हम कढ़ाई में मैगी डाल देंगे। मैगी को अच्छे से चला देंगे। हमने मैगी को अच्छे से चला दिया है। अब हम गैस की आंच तेज कर देंगे और मैगी को तेज आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें तेज आंच पर मैगी को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मैगी इस तरह से थोड़ी पक गई है। हमें मैगी को ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद मैगी को हम हल्के हाथ से चला देंगे। हमें मैगी को सब्जियों के साथ भी पकाना है, इसलिए हम इसे अभी ज्यादा नहीं पका रहे हैं। अब हम मैगी वाली कढ़ाई को साइड से रख देंगे। अब हम मैगी को तड़का लगाएंगे। अब हम इसमें अपने हिसाब से ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। ऑयल को गर्म करते हुए हमें 1 मिनट हो गया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, प्याज डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और प्याज को 1 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है। प्याज हल्के सिक गए हैं। प्याज को हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। मीडियम आंच पर इनको भी 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। हमें शिमला मिर्च और गाजर को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं, ये भी थोड़े पक गए हैं।
अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी 2 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें मीडियम आंच पर टमाटर को भी पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें मैगी के साथ आए 2 मसाले के पैकेट डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और पनीर को भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। हमने पनीर को भी मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें उबली हुई मैगी डाल देंगे। मैगी को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। मैगी को हल्के हाथ से चलाते हुए मिलाएंगे। हमने मैगी को मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें मैगी मसाला के पैकेट डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को मैगी में अच्छे से मिला दिया है। मैगी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को मैगी में अच्छे से मिला देंगे। हमारी स्पाइसी मैगी बन गई है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटी वेज पनीर मसाला मैगी बनकर तैयार है। इस तरह से वेज पनीर मसाला मैगी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैगी झटपट से बन जाने वाली एक ऐसी डिश है जो बच्चों बड़ों सबको पसंद आती है। जब भी आप लोगों का कुछ स्पाइसी खाने का मन करे और जोरों से भूख लगी हो तो आप इस तरह से स्पाइसी मैगी बनाकर खा सकते हो और अपने परिवार में भी सबको खिला सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी वेज पनीर मसाला मैगी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से मसाला मैगी बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।